रावर्सगंज कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय गिरोह के दो तस्करों को कोतवाली क्षेत्र के हिंदवारी मोड़ से होंडा सिटी कार से 10 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़ी गई अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वाट टीम, SOG व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई अफीम झारखंड से बरेली जा रही थी, जिसके बाद वहां से गिरोह के दूसरे साथी उसे पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस घटना का खुलासा किया। वहीं सफलता पर SP सोनभद्र ने 25,000 रुपए का पुरस्कार पुलिस टीम को देने की घोषणा की है। व्यक्ति हैं जिनके नाम क्रमशः सौकत आजम पुत्र मुबारक मियाँ, ये निवासी बालूमाथ थाना बालूमाथ जनपद लातेहार झारखंड, और अबू साले पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी बालूमाथ थाना बालूमाथ जनपद लातेहार झारखंड। इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये होंडा सिटी कार थी इनके पास, और ये गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। और ये इनपुट मिला था कि ये झारखंड से कुछ ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं, और इनके पास से एक होंडा सिटी कार और कार के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर छुपा कर रखा हुआ 10 किलो अफीम बरामद हुआ है, और कुछ कैश की भी बरामदी हुई है। और इसके बारे में जो इनपुट मिली थी उस पर एक टीम का गठन किया गया था क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में, और उसमें स्वाट सर्विलांस और रॉबर्सगंज कोतवाली की पुलिस थी, और इसको डेवलप करके ये काम की गई है। जो माल बरामद हुआ है 10 KG, तो उसकी जो कीमत है वो लगभग 25 लाख रुपए यहाँ पर जो मार्केट में है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तो बहुत अधिक है, 1 करोड़ बताई जा रही है। तो ये कहाँ ले जाया जा रहा है? देखिए, इनका